नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर रोक, केजरीवाल सरकार मजदूरों को देगी 5,000 रुपए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में अब 14 नवंबर को होगी सुनवाई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के सोलन में कल करेंगे रोड शो। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, होगी प्रदूषण मिटाने को लेकर चर्चा। अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर महीने देने होंगे 6,660 रुपए, मासिक का ऐलान। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का करेंगे उद्घाटन। नॉर्थ कोरिया ने दागी अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल, साउथ कोरिया का दावा। और आज है किंग खान शाहरुख खान का 97वां बर्थडे, फैंस कर रही हैं अपने अपने तरीके से। मोरबी पुल मामले में गिरफ्तार 9 में से 4 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा।